देसी कलाकार। नमस्कार, मैं ओमूल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके भी प्रस्तुत देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। आज नागपुर का एक बहुत ही खास मेहमान हमारे पास है और नागपुर के एक बहुत ही फेमस फूड ज्वाइंट पे मैं आया हूँ, जो कि तुली एम्पीरियल के बिल्कुल अपोजिट है। और यहाँ का पोहा जो है बड़ा फेमस है, और जो लोग नागपुर में पोहा खाना पसंद करते हैं तो उन लोगों को यहाँ पर आना बहुत पसंद है। आसपास कई सारे अस्पताल से होटल्स है, लेकिन लोग बड़े फूड जॉइंट्स या फिर बड़े जगहों जाने से बेहतर लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर एक खास मेहमान मैं लाया हूँ, हमारे नागपुर से हैं, और साउथ इंडस्ट्री हो, मराठी इंडस्ट्री हो, हिंदी इंडस्ट्री हो, तो ऐसे तीनों जगहों जो हैं उन्होंने परचम लहराया है। डांस उनका पोर्ट्रे है, और ऐसे नागपुर के शिवम गणवीर हमारे साथ हैं। तो शिवम, बहुत बहुत स्वागत है, एंड आई होप तुम्हें भी इस फूड जॉइंट पे जरूर मजा आएगा, तो हम तुमको नागपुर का पोहा खिलाएंगे। लेकिन पहला सवाल तो यही पूछता हूँ, शुरुआत कैसे रही, डांस की शुरुआत कैसे रही? डांस की शुरुआत तो सर मतलब ऐसा बोलूँगा कि 10 साल से डांस कर रहा हूँ मैं, 10 साल से मेरा एक क्रू एल्केमी डांस क्रू, तो वही मैंने मतलब ऐसा लोकल समर कैंप से स्टार्ट किया था, और अभी मतलब समर कैंप बोलो और जो गणपति के डांस बोले वहाँ से लेके मैंने अभी टीवी रियलिटी शो तक कर लिया, मतलब वही 10 साल से। वो बहुत लंबा स्ट्रगल था, वो भी मैं आपको थोड़ा मतलब बताने की कोशिश करूँगा धीरे धीरे। तो मैं यही पूछूंगा, तब उम्र क्या रही जब तुम पहली बार स्टेज पर उतरे है, और कौन थे वो लोग जिन्होंने तुमको सपोर्ट किया? ओके, मैं तो 7th क्लास में था, मैं स्कूल स्कूल टाइम से मैं डांस कर रहा हूँ। मेरे सर है अभिषेक सर, उन्होंने मुझे मतलब स्टार्टिंग से मैं उनके थ्रू ही सिखाऊँ, मतलब सबसे पहला स्टूडेंट मैं उनका ही था। अच्छा, और हमारे ग्रुप का पहला स्टूडेंट भी मैं ही हूँ। क्या बात, तो वो हमारा ग्रुप है, तो वही हम सर अभिषेक सर से और मेरे से स्टार्ट हुआ। मेरे क्रू का नाम एल्केमी डांस क्रू है, और हम लोग ने मतलब उस टाइम पे एज अ क्रू स्टार्ट नहीं किया था, हमने स्टार्ट किया था मतलब सर ने, मैं सर का पहला स्टूडेंट था, और बस हमने डांस स्टार्ट किया था। तो हमको नहीं पता था कि हम लोग इतना बड़ा मतलब क्रू फॉर्म कर लेंगे, और हम लोग नेशनल लेवल पे इतना बड़ा मतलब वो कर भी लेंगे। तो वो मतलब छोटे से स्टार्ट किया था, और अभी बस कर रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है, अचीवमेंट्स भी कर रहे हैं, और कोई स्ट्रगल और कुछ बड़े के लिए स्ट्रगल चल रहा है। क्या बात है। और एल्केमी के बारे में मैं बता दूँ, सिर्फ नागपुर ही नहीं तो वर्ल्ड लेवल पे एल्केमी जो है वो फेमस है। जो लोग डांस करते हैं वो जानते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इन्होंने एक्चुअली वर्ल्ड मींस एक होता है इंडियन हिप हॉप डांस चैंपियनशिप, और एक होता है वर्ल्ड ऑफ डांस, तो उसका क्वालिफायर जो होता है राउंड वो इंडिया में भी होता है। तो हमने वर्ल्ड ऑफ डांस में किया है, वर्ल्ड ऑफ डांस में हमें क्राउड फेवरेट का अवार्ड मिला था। ओके, क्या बात है। और इंडियन हिप हॉप में हमारा 6th रैंक आया था, 2016 में इंडियन हिप हॉप डांस चैंपियनशिप हुआ था, उसमें हमारा 6th रैंक आया था। तो अगर इफ हमारा 3rd आया रहता तो हम लोग ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया रहता वर्ल्ड हिप हॉप के लिए। क्या बात है। तो बातें तो चलते रहेगी हम लोगों की, लेकिन अब इतनी खूबसूरत जगह आए हैं, और अगर हम लोग पोहा ना खाएं तो भैया 2 दे देना हम लोगों को। और नागपुर में बहुत फेवरेट होते हैं पोहा, पोहा बहुत लोगों का फेवरेट होता है। क्वांटिटी में चाहूँगा ज़्यादा ना दे भैया, ताकि हम लोग बातें भी कर पाए, नहीं तो पोहा ही खाते रहेंगे। और मैं चाहूँगा थोड़ा नज़दीक से बताएं हमारे कैमरामैन की नागपुर का सावजी पोहा कैसे बनता है। जो लोग भी जनरली नागपुर से मतलब बाहर से आते हैं हमारे नागपुर में, मुंबई पुणे, तो नागपुर का सावजी पोहा ज़रूर खाना पसंद करते हैं। और मेरा बड़ा फेवरेट फूड जॉइंट है, जब भी मैं कोई बाहर से आता है मुंबई से कोई गेस्ट, तो मैं ज़रूर उसे यहाँ लाता हूँ, क्योंकि नागपुर का पोहा बहुत पसंद करते लोग। तो ये शिवम, तुम हमारे गेस्ट हो तो ये तुम्हारे लिए। okay, मेरे को थोड़ा सा ही देना भैया, तो पोहा टेस्ट करो। अगला सवाल ये है कि जर्नी तो तुम्हारी जब 7th क्लास में थी वो शुरू हो गई, बड़ा स्टेज कब मिला, कब लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि ये एल्केमी है और ये शिवम गणवीर है? एक्चुअली सर हमने भी स्टार्टिंग मतलब लोकल से किया है, सिटी के डांस शोज हमने किया है, कॉम्पिटिशन किया हमने, राइट छोटे से हमने स्टार्ट किया है। एक कॉम्पिटिशन में कॉलेज फेस्ट किया था हमने, तो कॉलेज फेस्ट में हम लोग ने जीता था मेरे गुरु ने। तो धीरे धीरे करते हमें मतलब लोगों से एप्रिशन मिला कि आप लोग का स्टाइल बहुत अलग है, आप लोग मतलब डिफरेंट कर रहे हो। सो जनरली हमारा मतलब जो डांस शोज होते थे उसमें उस टाइम पे ऐसा था कि जो फ्लिप्स करते थे लोग, फ्लिप्स एंड ऑल, बस हमारा एक क्रू था कि उस टाइम पे हमारे डांस में फिर एक भी फ्लिप्स नहीं था, कुछ नहीं, मतलब प्योर डांस था। हमने सबसे पहला डांस, अभी मैं आपको मतलब ऑलमोस्ट नागपुर के जितने भी लोग हैं उन लोगों को पता है, हमारा पहला सॉन्ग था काये छेड़े करके, तो क्लासिकल सॉन्ग पे हमने हिप हॉप सेट किया था उस पर, तो उस पर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो वो हमारा एक वो था, उससे हम लोग बहुत नागपुर में मतलब अच्छे हिट रहे कंटिन्यू उस टाइम पे। मतलब मैं अभी नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि डांस फैक्ट्री था, राइट बी बॉयज डांस क्रू था, राइट उस टाइम पे, मतलब ये लोग हमारे से पहले से है, तो ये लोग उस टाइम पे मतलब बोल सकते हैं हम लोग ये बॉस थे, वो लोग भाप लोग थे उस टाइम पे। और हमारी जैसे एंट्री हुई थी तो ऐसा था कि हमको डर रहता था, तो हम इनको देखे कंपटीशन में, हम लोग प्रिपेयर भी नहीं थे, तो इनके साथ कॉम्पीट किए, पहले हारे हम लोग, फिर मतलब एक टाइम ऐसा भी आया कि मतलब हमने उनको बीट कर दिया, वही मतलब फिर ऐसा चला, और एक टाइम आया कि हमने मतलब कर दिया उनको बीट, तो बहुत अच्छा था।
पर रिस्पेक्ट एंड उनके वजह से हम लोग अब इतना सामने आया है। डांस फैक्ट्री, बी बॉयज डांस क्रू और भी काफ़ी क्रू है। मैं अभी मतलब खुशी मुझे अभी भी है, तो बाकी सबके लिए रिस्पेक्ट है बहुत। समय होता है एक जब आप सीखते हो फिर खुद को प्रूफ करते हो और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो। मैं कहूँगा धीरे धीरे जो जर्नी है वो आगे बढ़ेगी। टेलीविजन शोज की तरफ या फिर बड़े कॉम्पिटिशन की तरफ जाना कैसा हुआ, फिर एलकेमी का, शिवम गणवीर का, वो जर्नी कैसे रही? ओके, तो एक्चुअली हमने एक मुंबई का डांस कॉम्पिटिशन किया था, 2020 डांस चैंपियनशिप। उसमें जज थे रेमो सर, टेरेंस मैम एंड लेट सरोज मैम। ओके, तो उनके सामने हमने परफॉर्म किया था। तो हमारा जो काया छेड़े सॉन्ग था हमने वही किया था। तो वो परफॉर्मेंस हमारा ऐसा था कि उस दिन हमको फर्स्ट मिला। ओके, एक बहुत बड़ा चैंपियनशिप था, 250 क्रूज आए थे, उसमें हमको फर्स्ट आया। और एक्चुअली ऐसा था कि हमको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तो हमारा एक ब्रेक बोल सकते हो आप लोग कि हमको एक बहुत खुद पर भरोसा आया कि हम लोग कर सकते हैं करके। तो उस दिन वो था वहाँ पे चैंपियनशिप, तो बहुत बड़ा मतलब इंडिया लेवल का था वो, तो मुंबई में था वो। तो चैंपियनशिप हमने वॉन किया, उसके बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस था जो नॉन गिव अप वाला था हमने मतलब रख दिया कि अभी नहीं हमें करना ही सामने करके। तो हमने सामने भी मतलब सामने कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया, रियलिटी शोज के लिए तैयारी की। पहले स्टार्टिंग में नहीं हुआ सिलेक्ट, हम लोग जाते थे तो एक्चुअली एक फनी सेगमेंट ऐसा है कि जाते थे हम लोग ऑडिशन करते थे, वो बोलते थे एलकेमी, हाँ हम लोग को लगता था हाँ कुछ बताएंगे मतलब कि सिलेक्ट सिलेक्ट नहीं। हाँ तो नहीं, ऐसा बोलते थे कि बैग लाओ, हमको लगा बोलेंगे चलो होटल चलो, चलो नेक्स्ट बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। अच्छा, मतलब ऐसा हमको कंटिन्यू 2 साल मिला है, कंटिन्यू 2 या 3 साल मतलब कंटिन्यू हमने बहुत सारे दिया। ऐसा नहीं कि हम लोग आए और हमको ऐसा मिल गया, कुछ भी हमको ऐसा नहीं, पड़ी बहुत स्ट्रगल किया हमने और अभी भी कर रहे हैं। और कुछ जीतता है और कुछ वही लॉस होता है, मतलब वही चल रहा है हमारा अभी भी। पर कोशिश इसमें यही है हमारी कि हमें नागपुर का नाम रोशन करें और पेरेंट्स का नाम रोशन करें, हमारे सर का नाम रोशन करें, बस वही चल रहा है अभी सर हमारा। नागपुर की अगर हम डांस फ्रेटर्निटी की बात करें, जो नागपुर में कैसा ट्रेंड है, कैसा कल्चर है, क्या लगता है तुमको नागपुर के डांसर्स आर्टिस्ट के बारे में? नागपुर के डांसर्स तो मैं बोलूँगा ना, तो नागपुर के डांसर्स को ऑल इंडिया में डरते हैं लोग, डरते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उन लोग को पता है नागपुर में अच्छे अच्छे डांसर्स है और है, एक्चुअली बहुत टैलेंट है नागपुर में। नागपुर में अच्छे अच्छे लोग, अभी मैं नाम लूँगा जो गए, पीयूष गुरबेले। अब क्या बोलोगे आप, उसने रियलिटी शो जीता है, डांस दीवाने जीता है उसने, कोई छोटी बात नहीं। डांस दीवाने को रियलिटी शो डांस जो जीता है, प्राची प्रजापति, वो कंटिन्यू रियलिटी शोज में आती रहती है वो। मतलब अगर मैं नाम लूँ तो यही पे हमारे नागपुर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। मानसी शर्मा भी जाती है, वो कब से कर रही है, और भी बहुत सारे नाम है। मतलब मैं कुछ नाम मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, बाकी और भी बहुत लोग बहुत लोग हैं। सबके लिए शॉर्ट आउट, लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही तुम्हारे इंट्रोडक्शन में कहा कि साउथ के शोज हो, हिंदी शोज हो, मराठी शोज हो, वो जर्नी कैसे स्टार्ट रही, कौन से शोज में तुमने पार्टिसिपेट किया और कौन से लेवल तक आप लोग गए? ओके, एक्चुअली टेलीविजन का हमारा पहला ही शो था जो था मैं हूं माइकल करके, वो था टाइगर शॉप के सामने, टाइगर शॉप निधि अग्रवाल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक शो था जी उनकी फिल्म प्रमोशन के लिए, फिल्म प्रमोशन के लिए शो था। तो उसमें हमें टाइगर शॉप ने पूरे इंडिया से 8 पार्टिसिपेंट चूज किए थे, फाइनलिस्ट चूज किए थे परफॉर्मेंस के लिए। तो उसमें हमारा क्रू था, वो भी नागपुर से सिर्फ अकेला क्रू था, तो उसमें हम लोग टॉप 8 फाइनलिस्ट थे, तो वही क्रू था। उसके बाद हमने IGT किया, इंडिया गॉट टैलेंट, हम लोग स्टूडियो राउंड पे थे और भी उसके बाद वो हो गया। उसके बाद अब भी रिसेंट में हमने एक शो किया है मी होनार सुपरस्टार, राइट, इसमें अंकुश चौधरी सर है जो हमारे मराठी इंडस्ट्री के सुपरस्टार है, बिल्कुल उसके सामने अभी जस्ट हमने वो किया है। और उसी बीच अभी एक तेलुगु शो आता है धी करके, साउथ इंडियाज बिगेस्ट रियलिटी शो है वो धी करके। उसमें आपको वहाँ के जो ये है बहुत बड़े बड़े दिग्गज, हाँ दिग्गज, जिसे मैं अभी आप नृत्य नोन नहीं होंगे उनसे, उनके साउथ इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े शेखर मास्टर है, ओके शेखर, पिल्लूमणि मैम है, जो प्रियमणि मैम है,
वो है और श्यामला मैम है, तो वो बहुत बड़े जज है उनके सामने, मतलब साउथ इंडियंस के इसमें एज अ मतलब पार्टी इसमें किया हो, मैंने परफॉर्म किया हो एज अ कंटेस्टेंट थे, तो उनके साथ मैंने परफॉर्म किया हो, तो तेलुगु इंडस्ट्री का बहुत अलग है। और सॉन्ग ऐसा उसको चैलेंजिंग ऐसा था कि हिंदी सॉन्ग नहीं थे पूरे तेलुगु, तो वो सीखने के लिए मुझे ऐसा था कि तेलुगु के लिरिक्स में पढ़ता था और वो सॉन्ग्स को मतलब समझता था फील करता था, पहले स्टार्टिंग में फील ही नहीं आता था, राइट समझता ही नहीं था कि मतलब कैसे करो, पर वही कि अभी अलग इंडस्ट्री है, इधर भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, इजीली कुछ नहीं मिलता लाइफ में और वहाँ पे भी कुछ इजीली नहीं मिलेगा, अब आगे हैं तो अच्छे से करते ही है, तो वही मतलब समझ के कर किया है, परफॉर्मेंस अच्छे हुए हैं। यूट्यूब पे ईटीवी तेलुगु पे आता है वो, ईटीवी एक चैनल है उस पे आता है वो, तो उसमें मेरे काफ़ी 5-6 परफॉर्मेंस आए, मेरे क्रू के भी आए हैं हल्के, बस वही उसमें उधर ऐसा था, बस तो अभी भी बातें तो हमारी चलती रहेगी। मैं चाहूंगा कि पोहा जरूर खाओ, तो बातें हम लोग शो करते रहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जर्नी जो है वो शुरू होगी, बहुत कम लोगों को पता होगा शिवम की स्कूल कौन सी रही है, शिवम का कॉलेज कौन सा रहा है, और शिवम खाली समय में क्या कर रहे हैं। शोज चल रहे हैं तो प्रैक्टिस तो हो रही है, लेकिन बाकी समय सर एक्चुअली मतलब ये सब इतना करो, मेरा स्टूडियो भी है, डांस स्टूडियो खुद का, तो वहाँ पे क्लासेस चलती है, तो क्लासेस शोज एंड ऑल, और मतलब देखा जाए तो आर्टिस्ट का खाली नहीं रहता, अगर आपका शोज नहीं है शोज नहीं है तो आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते आप खाली हो, आपका दिमाग खाली नहीं है, क्योंकि अगर मैं अभी पोहा भी खा रहा हूँ, अभी तो बातचीत हो रही है हमारी, मगर मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ गाड़ी से, तो मेरा कुछ ना कुछ सोच ही रहा हूँ, तो मैं उसको खाली टाइम नहीं सोचता हूँ, क्योंकि इतना मेरा ट्रैवलिंग का टाइम है, दिन भर चलती रहता है, न्यू प्रोजेक्ट के बारे में सोचते रहते हैं, न्यू कोरियोग्राफी के बारे में सोचते रहते हैं, और मतलब क्या करना है सामने, फ्यूचर प्लानिंग चलती रहती है कि क्या अच्छा हम लोग खुद को और शो करें और क्या हम लोग नया लेके आए, सो तो चलते रहता है सर। बहुत सारे लोगों को तुम देखते हो गए, रेमो सर है, धर्मेश है, पुनीत है, कई सारे लोग ना हमारे रोल्स मॉडल्स होते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके तरह बने, उनके जैसे बने, तो तुम वो कौन से लोग हैं जिनको फॉलो करते हो, उनका स्टाइल तुमको बड़ा अच्छा लगता है, और किसको परफॉर्म करते देखना अच्छा लगता है? परफॉर्म करते एक्चुअली मेरा ऐसा बनना है कि मैं जितने भी टीवी शोज में आए या मैं इंस्टाग्राम पर देखता हूँ, मैं सबसे सीखता हूँ, मैं रोल मॉडल तो समझता ही हूँ सबको, रेमो सर ये सब हो गए, इंडियन रियलिटी शोज में जितने भी है मानता ही हूँ, सबको मानता हूँ, और जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हो गए बहुत सारे ब्रांड पर्सपस है, मतलब जो बड़े बड़े अच्छे कोरियोग्राफर से वर्ल्ड लेवल के, उनको रॉयल फैमिली क्रू है, ब्राडाज मेरा वर्ल्ड चैम्पियन का मतलब वो फेवरेट क्रू है, एक बड़ा बड़ा मतलब अच्छा एक बड़ा क्रू है, वो तो मेरे अलग अलग इसमें, जैसे अभी मैं ऐसा मेरा बढ़ गया है कि मैं तेलुगु में मेरे फेवरेट्स अलग है, अच्छा। मराठी में मेरे फेवरेट अलग है, और हिंदी में अलग है, जोन वाइज तुमने अलग काट लिया लोगों को। हाँ, और मैं सबसे सीखता हूँ, मेरा ऐसा कोई नहीं कि मैं एक को फॉलो करता हूँ कि मैं एंड तक उस पर फॉलो करता रहूंगा, सबसे मुझे सबसे सीखता हूँ, जैसे मैं आपसे भी सीखता हूँ, सच में मुझे आपके होस्टिंग बहुत पसंद है, मैं आपको मतलब बचपन से देख रहा हूँ, तो मैं आपसे भी सीख रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टाइल्स ना हमारे बड़े फेवरेट होते हैं, तो शिवम को पूछा जाए कि शिवम का फेवरेट डांस स्टाइल कौन सा था, इसका जवाब क्या हो? मेरा फेवरेट स्टाइल, चलिए तो अभी मतलब मेरा तो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग okay. तो ब्रेकिंग मतलब मैं फ्लिप्स वगैरह करते रहता हूँ, तो मेरा ब्रेकिंग फेवरेट स्टाइल है, और बाकी जितने भी मुझे मतलब सभी सीखना अच्छा लगता है, तो मैं सभी को फेवरेट ही मानता हूँ, पर ब्रेकिंग मेरा सबसे ऊपर है, बीबॉइंग। कई सारे शोज में तुमने पार्टिसिपेट किया होगा, तो कुछ शोज के पल्स मतलब मूवमेंट्स जो है ना बड़े फेवरेट रहते हैं हर आदमी, वो कभी भुलाए नहीं भूल सकते। अब तुम इतने सारे हजारों के ऊपर शोज कर चुके हो, रियलिटी शोज में कर, तो ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो हमेशा याद आता है, मुस्कुराते हैं, ये बहुत बढ़िया हो अपने साथ, ऐसा मतलब मजा आए? अच्छा, ऐसे तो बहुत मूवमेंट है, पर एक मूवमेंट मैं अभी भी भुला नहीं हूँ, अभी नवाजुद्दीन सर आपको पता है, हम लोग बैक स्टेज हमारा तैयारी कर रहे थे, मतलब परफॉर्मेंस करना है, बढ़ रही थी हमारे अंदर से कि नर्वसनेस तो बहुत होता है, तो वही हो रहा था कि कैसा करेंगे क्या करेंगे, तीनों बैठे थे, टाइगर श्रॉफ सर बैठे थे, नवाजुद्दीन सर बैठे थे, निधि मैम बैठे थे, तो हम लोग पीछे ऐसे थे, तो नवाजुद्दीन सर बैक साइड आए होंगे और वो हाथ से हमको देख रहे थे ऐसा। अच्छा। अभी हम लोग अपने तैयारी में हम ऐसा गोला बनाते हैं हम लोग और हम लोग माइंड सेट करते हैं, नवाज सर वहाँ से देख रहे थे, मैं ऐसा देखा सर देख रहे थे, मतलब वो मूवमेंट सर बोलते ऑल द बेस्ट करके ऐसा, तो वो मूवमेंट इतना प्यारा था ना, मतलब भूल नहीं पाता मैं कि उनका उतना ये था, इतने पास में थे और उनको ऐसा बोल रहे थे, अप्रिशिएट किए गाइस ऐसा ऐसा करो ऐसा करो, तो वो मोमेंट मुझे याद है, बाकी ऐसा बहुत मोमेंट है पर वो मुझे एकदम से याद आया मोमेंट। और डांस से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पर्सनली बात करते हैं शिवम से, शिवम को खाने में क्या पसंद है, मतलब बाहर का ही खाता है, घर पे खाता है, क्योंकि बहुत फिट है शिवम, नीचे से लेके ऊपर तक अगर आप शिवम को देखोगे तो बड़ा फिट है, डांस करने वालों को फिट ही रहना पड़ता है, एंकरिंग वालों को कुछ भी खाया पिया तो चलता है, तो खाना क्या पसंद करते हो जनरली, बाहर बार खाते हो कि घर का बना ही खाते हो? नहीं एक्चुअली सर मैं मतलब घर में ही डाइट फॉलो करता हूँ मैं, डाइट मतलब ऐसा नहीं,
सैटरडे संडे में थोड़ा चीट करता हूँ। चीट मेरा चाइनीज फेवरेट है सर, सॉरी मेरा जो सर है वो हमको मतलब बोल डाइट के लिए थोड़ा, तो मैं सैटरडे संडे तो कैसे भी कर लेता हूँ, पर मंडे में जम के वर्कआउट करता हूँ कि मेरा बॉडी को ये ना, अगर हम कुछ खा रहे हैं ऐसा तो उसको पचाना, डाइजेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो डाइट तो मेंटेन करता ही हूँ, नॉर्मल जो डाइट है एग मिल्क एंड ऑल जितना भी है वो सब मैं कंज्यूम करता हूँ कि मेरी बॉडी मुझे और साथ दे सके। मैं कहूँगा कि हर इंसान की जिंदगी में ना एक ख्वाब होता है कि उसको किसी को बड़ा घर लेना है, किसी को बड़ी कार लेनी है, और एक सपना होता है हर किसी का, मैं इस लेवल तक पहुँचूँ। तो शिवम का ड्रीम क्या है, कि शिवम कहाँ तक जाना चाहता है, क्या बनना चाहता है? सर ऐसे ड्रीम तो मेरे मतलब ऐसा होता है कि मैं ऐसा सोचते रहता हूँ हर टाइम, मेरा नया नया आता है। अभी सबसे बड़ा कोरियोग्राफर तो पहले नंबर है कि मैं डांस कर रहा हूँ, और सबसे बड़ा परफॉर्मर बनना है वो भी, मतलब दुनिया देखे कि मैं भी मतलब एक शिवम भी है करके, right, तो मेरा वही चल रहा है। मेरा तो सबसे पहले ये कि मेरे क्रू को सब लोग जाने वर्ल्ड में, हम लोग ग्लोबल हो जाए पूरा, और उसके बाद मेरा क्रू समझता है तो मैं भी समझता हूँ, वो तो होगा ही। तो सोलो में तो मैं चाहूँगा कि मैं चमकूँ, और सर ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर वही अभी धीरे धीरे गोल्स को मतलब पार कर रहा हूँ जितने भी हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे गोल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे तो एल्केमी को सभी जानते हैं, जो हमारे नागपुर के हैं, मुंबई के लोग हैं वो भी शिवम को जानते हैं, और एक बड़ा क्रू है जो वर्ल्ड लेवल पे भी रिप्रेजेंट करता है नागपुर को, इंडिया को। और दुआ करते हैं हमारे वीकेवी परिवार की तरफ से कि तुम्हारे सारे ड्रीम्स जो है थ्रू मतलब सच हो। बहुत दिनों से हम शिवम को भी फॉलोअप कर रहे थे, एंड एट लास्ट हम दोनों खाली समय में मिले और हम लेकर आए शिवम को पोहा खाने के लिए, और ये बात ही कर रहा है पोहा नहीं खा रहा है। जरूर खत्म करते हैं हम यहीं पर, और अगर आपको शिवम के बारे में कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, तो नीचे अगर आप फेसबुक या यूट्यूब पे शो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शिवम के लिए कमेंट कर सकते हैं। आपका दोस्त हो तो उसे विशेष भी दे सकते हैं, और अगर आप ACEN या फिर GTPL न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं तो हम लोग जो है फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप हम लोगों से सीधे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल के एपिसोड में फिर कोई नया मेहमान होगा जिससे हम उसकी सफ़र के बारे में, उसके जर्नी के बारे में जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग लेकिन घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सबसे खास बात खुद का ध्यान रखें। देसी कलाकार।